अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। कैसे हैं सब माई यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर परेशानी और मुसीबत से बचाए। ये मेरी मदीना की वीडियो है। मदीना में वो गुजारे हुए खूबसूरत दिन, खूबसूरत लम्हात, तो ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये मस्जिद नबवी का मीनार है। यहाँ इतना सुकून है कि अल्लाह ताला सबको एक बार ज़रूर अपने रोज़ा रसूल की हाज़िरी नसीब फरमाए। और ये जाते हुए जब रास्ते में कबूतर बहुत ज़्यादा, ये मदीना के बिल्कुल साथ में है, आप जब भी जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कंट्री से दाना लेके जाएं। से ये कबूतर मैंने देखा है ज़्यादा चने खाते हैं, और चने का 10 रियाल का पैकेट मिल जाता है। आप वहाँ से पैकेट ख़रीदें 1 kg का और इनको डाल सकते हैं। ये मदीना से ही हम लोग खजूर लेके आए थे, जो कि यहाँ लोगों में तकसीम करनी थी। वहाँ बहुत ज़्यादा शॉप हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। आप अच्छी से अच्छी खजूर वहाँ से ख़रीद सकते हैं, और रेट भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। ये हम लोगों ने वहाँ से ज्वेलरी बाय की थी जो ओरिजिनल स्टोन में, तो ये वहाँ ही मस्जिद बिलाल है और उधर उसके अंदर ये सारी मार्केट है ज्वेलरी की, जिसमें गोल्ड की भी हैं, जिसमें चांदी की भी हैं। ये है मस्जिद बिलाल, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी, और यहाँ मार्केट भी है, बाज़ार भी हैं लगे हुए। ये सारी यहाँ आप जाएं तो सब ज्वेलरी की शॉप है। और ये जगह जगह आपको कबूतर इतने मिलेंगे कि जिसकी इंतहा नहीं है। ये ब्रिज जाता है, ब्रिज से आप मदीना से बिल्कुल ही पैदल चल के आप मस्जिद बिलाल जा सकते हैं। जब जो किसी को नहीं पता होता तो वो ऊपर से आता है या टैक्सी वगैरह लेके आता है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको पता है तो फिर आप अंदर से ही बिल्कुल गेट नंबर 22 से आई थिंक आ सकते हैं, सामने निकलेंगे तो मस्जिद बिलाल। यहाँ से फिर हम लोग मदीना गए फिर वापसी पे, और मदीना से हम लोगों ने नमाज अदा करी, और उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए निकले। यहाँ बहुत सारी चीप मार्केट भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको शॉपिंग करने के लिए। ये है जी हम मदीना में, ये हमारा लास्ट डे मदीना में था, तो हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग की। फिर हमने 6 रोज़ के लिए मक्का जाना था मदीना से, तो यहाँ हमने नमाज़े इशा अदा की, और नमाज़े इशा अदा करने के बाद हम लोग आ गए शॉपिंग के लिए। ये हमने शॉपिंग की थी, ये हमने WOW5 से, लेकिन वहाँ आपको WOW5 $ में भी मिल जाती हैं, 5 से ज़्यादा में भी मिल जाती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने की चीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन ये कि बच्चों के लिए कैंडी वगैरह और चॉकलेट, मेकअप का सामान और काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ से बहुत सस्ती प्राइस में आपको मिल जाती हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप फाउंड कर सकते हैं, बैग वगैरह और जूते, काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि आप ले सकते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो हम लोग यहाँ लेने के लिए गए थे रूम्स की जो स्मेल है उसके लिए, और कुछ चॉकलेट वगैरह लेने के लिए। तो हमें कुछ वहाँ से जो भी पसंद आया हम लोगों ने लिया। यहाँ शर्ट भी काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन शर्ट नहीं ख़रीदी क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी शर्ट्स की। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। जाए नमाज भी है यहाँ काफ़ी, तस्बीह वगैरह भी है, और भी बहुत कुछ है जो कि आप गिफ्ट देने के लिए यहाँ से शॉपिंग करके ला सकते हैं। बहुत अच्छी, ये भी रिजनेबल प्राइस पर, और बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं यहाँ से। बैग बहुत अच्छे मिल गए थे कि जिन बैग में गिफ्ट डाल के हमने दूसरे लोगों को देना था, वो बहुत अच्छे बैग मिल गए थे मुझे यहाँ से। और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, परफ्यूम्स भी हैं यहाँ, इतर भी हैं। तो मैंने यहाँ से काफ़ी बैग ख़रीदे थे जिसमें डाल के मैं दूसरे लोगों को
सारे गिफ्ट देने थे उसके अंदर रख रख के, तो इस वजह से। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ आप बाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने तकरीबन काफ़ी चीज़ें आपको शो की हैं जो कि यहाँ है। बर्तन बहुत प्यारे प्यारे हैं, दिल करता था कि कितनी चीज़ें ले लूं, लेकिन बर्तनों में तो नहीं ला सकते, इतना वेट अलाउ नहीं होता। बाकी ये कि काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी, बच्चों के लिए गिफ्ट ख़रीदे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीदी। मक्का से चाहें तो आप मक्का से भी शॉपिंग कर सकते हैं, मदीना से चाहें तो मदीना से भी शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन मदीना से जो खजूरें हैं वो सारी हम लोग जायनमाज और खजूरें मदीना से लेके आए थे, जबकि गाउन वगैरह और गोल्ड जो है वो मक्का में अच्छे सही रेट पे है, और जो खजूरें वगैरह हैं वो तो मदीना से ही मेरी लानी चाहिए मदीना से, तो वहाँ से हम लेके आए। ये देखिए यहाँ जूते भी थे, चप्पलें जो रफ़ घर में आप यूज़ करते हैं 5-5 रियाल में, तो यहाँ से चप्पलें भी ली हम लोगों ने घर में पहनने के लिए। बहुत बड़ा ये स्टोर है और यहाँ से आप अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं जो कि आपको चाहिए। तकरीबन हर तरह की हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ, ड्राई फ्रूट है और हर तरह के कप रखे हुए हैं उन्होंने कैवे के लिए, ग्लास हैं, बहुत कुछ है। ये मदीना से ये तकरीबन 10 रियाल में टैक्सी हो जाती है और आप चले वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको बता दें हमने वॉक 5 जाना है तो वो ले जाते हैं। ये मस्जिद कुबा के बिल्कुल पास है और ये वापसी में हम लोग वापस जा रहे थे, तो तब की मेरी वीडियो है। खूबसूरत मदीना, खूबसूरत गलियां, खूबसूरत रास्ते जहां हमारे प्यारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हुए हैं। हर हर जगह आपका देखने को इतना दिल करेगा।